एक्सपीरियंस है, मजा आ गया। आजू बाजू का नजारा देखो यार, ये जानवर अपना घास खाने के लिए सुकून से आए हुए, उनको ये लोग चराते जैसे हॉलीवुड मूवीज में कैसा वैम्पायर्स रहते या आदिवासी लोग चलते वैसे दिख रहे। और फॉग फॉग है तो पूरा सेम फील हो रहा है, फुल हॉलीवुड मूवी की स्टाइल। बस्ती दिखाई दी है, बच्चे दिखाई दे रहे हैं, यानी जीने की उम्मीद है। बाय बाय। सो गाइस, जैसे आप लोगों ने देखा कि हम लोग गए थे अभी वाटरफॉल, वाटरफॉल के वहाँ से आए अभी ये लेक की तरफ, यहाँ पे बोटिंग होती है। और मैं आपको ये बता दूँ कि सब लोग बोलते हैं कि ये रास्ता कहाँ पे एंड होता है मुझे नहीं पता, बट मैंने वो जगह ढूंढ ली है। एक रास्ता मुझे जो मिला है जो सीधा पानी में जाता है और एंड होता है, तो वो रास्ता कौन सा है वो मैं बता देता हूँ, तो देख लो। यहाँ पे अपनी गाड़ी है, यहाँ पे आजू बाजू में देखो ग्रीनरी है, ये रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता देखो सीधा पानी में जाके एंड हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि लोग बोलते हैं कि मुझे नहीं पता ये रास्ता कहाँ जाता है, बट मुझे ये रास्ता पता है कहाँ जाता है, सीधा पानी में जाके एंड होता है। अगर आपकी कार बाइक या आप चल के जाओगे तो सीधा पानी में जाके डूब जाओगे, बट अभी यहाँ पे बोट आएगी, बोट पकड़ेगी हम लोग और आगे जाके हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। तो सीधा मैं गोप्रो निकालता हूँ और गोप्रो से बात करता हूँ, क्योंकि बारिश आ जाती है तो DSLR में बाहर नहीं निकलता, तो सीधा बोट पर मिलता हूँ और गोप्रो के साथ मैं वीडियो निकालता हूँ। तो बोट आ गई है हमारी, वहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है। चलो मम्मी उतरो, पप्पा और उसके मम्मी पप्पा वो लोग चले गए, तो हम लोग ने बोला हम तो बाइक राइडिंग करेंगे उसके बाद ही घर पे आएंगे, इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बोट राइडिंग करने वाले फिर घर की तरफ चले गए। तो मस्त दिख रहा है देखना, का जो लेक है वो 20 किलोमीटर लंबा है और 85 मीटर नीचे डीप है, तो नॉर्मल लोग यहाँ पे स्विमिंग नहीं कर सकते, खाली गांव वाले स्विमिंग कर सकते। जैसे जैसे तुम लोग डीप जाओगे ना तो पानी ना अपनी तरफ खींचता है, तो अगर तुमको तैरने प्रॉपर नहीं आता तो नीचे डूब सकते। और अभी यहाँ पे फॉग है और फॉग में हम लोग ये वाटर राइड कर रहे हैं यार, अमेजिंग है। देखिए तो वाटर राइड बहुत की है, जैसे आप लोगों को पता रहेगा मालूम ना, रामेश्वरम गए थे वहाँ पे तो अपना श्रीलंका वाला जो समुद्र है सबसे बड़ा अरबी है अरबियन सी, वहाँ पे किया था। और अभी यहाँ पे हमें मालसी काट के लेक पे कर रहे हैं, तो अलग ही एक्सपीरियंस है, मतलब हर जगह का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, तो करना चाहिए ये राइड। ऐसा नहीं बोलने का वहाँ पे पैसा खर्चा तो यहाँ पे भी होता है। कैमरे लिए ही इसलिए ट्राई करने का नहीं, पर्सनली लिए। ये हाईवे, हाईवे की हालत ऐसी है, बट हाईवे के बाजू में जो नजारा है ना भाई वो देख लो, यहाँ का भी बेस्ट नजारा है, दिल खुश हो गया। यहाँ पे अपनी गाड़ी, हम लोग यहाँ पे खड़े और मैं भाई साहब यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। अभी कड़क भूख लगी है तो खाना खाने का इंतजाम भी करना पड़ेगा, बट घाट नीचे उतरने के बाद ही प्रॉपर होटल मिलेगी, बट व्यू से बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा है क्योंकि लैंडस्केप देख के दिल खुश हो गया। उर्मी, यहाँ पे मालसेज घाट का मौसम देख के क्या लगता है तुझको? वहां पे हमारी गाड़ी खड़ी करी है, रास्ता का टर्न देखो, आहा आहा आहा, ओहो ओहो, यहाँ से ऐसे जा रही है, ओहो। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं हर 10-15 मिनट के बाद रुक रहा हूँ, क्योंकि आज तक मैंने ऐसी जगह देखी नहीं है। जगह बोले तो स्पेशली ये जो क्लाइमेट बन चुका है ना मालसेज घाट में, उसकी वजह से ये जगह को जो बोलते हैं ना निखार के बाहर जो उसकी खूबसूरती है ना वो मुझे महसूस हो रही है। शिमला जैसी ठंडी लग रही है।
मैं चाहता हूँ कि इंडिया में जो भी टूरिस्ट स्पॉट है ना वहाँ पे 6 महीना ऐसा मौसम बने रहना तो इंडिया में जो घूमने वाले लोग हैं ना उसके पैसे वसूल हो जाएंगे लिटरली। बहुत मतलब बहुत मज़ा आ रही है मुझे यहाँ पे घूमने के लिए। हर जगह पे मैं फोटो शूट वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसको गूज़बम्स आ रहे हैं सोचो। अरे गाड़ी आई, क्या खूबसूरत लगी अभी नज़ारा। वाओ लाइटिंग के साथ क्या लग रहा है यार। जैसे मैंने बताया रास्ते पे ना ऐसे छोटे मोटे वाटरफॉल्स बहुत सारे हैं, बहुत मतलब बहुत सारे। बाइक वाले भाई साहब वाह, एक्टिवा भी मस्त दिख रही है यार ऐसे मौसम में तो। फोटो निकालो। फोटो फोटो। मैंने बोला था ना हर 5 मिनट में मैं रुकता हूँ या 10 मिनट में। रीजन ये है, वाटरफॉल्स देखो भाई लोग। रास्ता देखो यहाँ से वहाँ पे कैंटीन लगती है बट कैंटीन बंद हो चुकी है, उसको भी देखने में मज़ा आ रही है। यहाँ का रास्ता देख लो, ये गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है कि दिख रहा है जिसकी वजह से रास्ता दिख रहा है। बाकी ये वाटरफॉल्स देखो यार, और एक बड़ा वाटरफॉल वहाँ पे देखो, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ अभी गोप्रो लेके जा रहा हूँ क्योंकि बारिश आ जाएगी तो बोलते ना कि मोबाइल ख़राब हो जाता है। नहीं जा सकते, बाजू से चढ़ने को है ना, चढ़ने को है, जाते जाते यहाँ पे खाने पीने की सुविधा है। तो अभी मक्का मैगी मिल रहा है, अंडा पाव मिल रहा है, वड़ा पाव मिल रहा है, आप खा सकते हो, पेट पूजा कर सकते हो। और रास्ता देख लो, तो मैं वाटरफॉल जा रहा हूँ गोप्रो लेके, अपना मोबाइल लेके नहीं, ना DSLR लेके। ओके चल वो देखो अभी और ऊपर जाना है, वहां से मैं आया। जल्दी मेरा बैटरी डाउन हो रहा है GoPro का, चला जा जल्दी। तो भाई लोग मालसिस घाट से हम लोग अभी नीचे उतर रहे हैं, तो कहीं भी मैं रुकने नहीं वाला वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए क्योंकि अभी कड़क भूख लगी और जितना देखना था सब देख लिया। फिर भी एक पॉइंट है, जैसे आप देख रहे हो टर्नल है, टर्नल के बाद और एक अच्छा सा व्यू पॉइंट है। बट ऐसा है कि मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए उसमें मैंने वो चीज़ दिखाई हुई है तो पता नहीं मैं वापस रुकूंगा कि नहीं रुकूंगा। एक्चुअली दिल मांगे मोर बट बोलते ना देखो मेरी हालत पूरा फिट चुका हूं, कार के बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कड़क भूख लगी अभी। तो लेट्स सी कि मैं मालसेज घाट में और कुछ शूट करता हूँ या सीधा लंच में मिलता हूँ। जैसे मैंने बताया मालसेज घाट में नीचे उतर चुका हूँ बट बोलू ना कहीं जाने का मन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ से एक नज़ारा दिखाता हूँ, आप देखोगे ना तो दंग रह जाओगे। पहले तो मैं दिखाऊँ, ये ग्रीनरी है और यहाँ पे ये है, बट मैं अगर अंदर जाऊँगा ना तो वहाँ पे ये देखो, देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो यार, कैसे बताऊँ, वहाँ पे वाटरफॉल है और वो बहुत कुछ है यार। रुको कुछ जुगाड़ करता हूँ और मोबाइल से दिखाता हूँ तो ही आप लोग देख पाओगे, वरना देख नहीं पाओगे। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जरूर मगर क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जूम करता हूँ। ये देखो गाड़ी दिख रही है, आप लोगों को फोकस भी करना पड़ेगा। हाँ देखो वहाँ पे वाटरफॉल, गाड़ी रास्ता, ये यहाँ पे भी एक वाटरफॉल है बहुत बड़ा है मगर आप लोगों को दिख नहीं रहा है क्योंकि जैसे मैंने बोला ये मोबाइल है। ये देखो दिख रहा है, ऐसे भी बोलते ना जो आके देख पाती है ना यार, कैमरा नहीं देख पाता, और उसमें भी ये तो मोबाइल है। अभी मैं कैसे दिखाऊँ आप लोगों को, जुगाड़ कैसे करूँ? एक तो देखो यहाँ पे ये पूरा जंगल मारा हुआ है तो वहाँ पे मैं जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि चूहे हैं मैंने देखा, तो क्या पता सांप भी निकला, तो इसलिए मैं जा नहीं रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी रखी है, यहाँ पे रेस्टोरेंट है तो यहाँ पे खाना खाने वाले, और ये नज़ारा देखो भाई, ऐसी जगह पे हम लोग खाना खाने वाले।
सच अ नाइस लैंडस्केप, और यहाँ पे छोटा ढाबा है तो कम पैसे में खाना भी हो जाएगा, तो आप भी यही ट्राई करो। पहले अभी मैं खाना खा लेता हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि कब का मैं बोल रहा हूँ भूख लगी, फाइनली खाना खा लेता हूँ। खाना खाने के बाद जो गाड़ी मैंने चलाई है, बट जैसे ही कल्याण पहुंचे, और ये ट्रैफिक देखो, अभी ये ट्रैफिक में घर पे पहुंचते 3 घंटे लगने वाले हैं। अभी बजे है 7:30 और हम लोगों ने टोटल किलोमीटर काटा है 254। अभी घर पे पहुंचते 11 तो बज ही जाएगी, कि घर तक ऐसी ट्रैफिक है।